ओम शांति। हम सभी ईश्वरीय गाइडेंस पर चलकर अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। राज्य भी दैवी स्वराज, राज्य भी ऐसा राज जिसमें सब कुछ भरपूर होगा। आज की दुनिया में रहने वाले लोग तो उस राज की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम ऐसा पावरफुल राज्य स्थापित कर रहे हैं जिस पर किसी की भी नजर नहीं लग सकती, कोई उसको जीतने का साहस भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे वाइब्रेशन से इतने पावरफुल हैं कि वहाँ किसी को कुछ भी संकल्प नहीं आता है। तो हमें जब राज्य और धर्म स्थापित करना है तो स्वयं को हर तरह से तैयार करना है। दोनों ही बड़े कार्य हैं और दोनों में ही मनुष्य को बहुत कुछ सहन भी करना पड़ता है। इसलिए जब हमें बड़े कार्य करने हैं तो सहन करने के लिए स्वयं को तैयार भी रखना है। और ऐसा भरपूर हमें बनाते हैं स्वयं भोलानाथ, जो हमारी झोलियां भर देते हैं, हमें भरपूर कर देते हैं। हम भी संकल्प रखें, हमें भरपूर होना है। देने वाला सब कुछ दे रहा हो और लेने वालों के पास एक छोटी सी थैली हो तो वो सब कुछ कैसे देगा। हम अपनी बुद्धि को पात्र बनाएं सब कुछ उसमें भरने के लिए, क्योंकि सर्व खजाने हमारी बुद्धि में धारण होते हैं। ये बुद्धि हमारी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे मूल्यवान, इसमें धारणा शक्ति है। इसको ही यदि हम पवित्र कर दें, शुद्ध कर दें, व्यर्थ विचारों से, ईर्ष्या द्वेष से इसको मुक्त कर दें, तो ये कैपेबल हो जाती है सब कुछ अपने में समाने के लिए। तो हम संकल्प करें कि जबकि बाबा हमें सब कुछ देने आया है तो हमें भी उससे सब कुछ लेना है। जब वो हमारी झोलियां भरने आया है, भंडारे भरपूर करने आया है, तब हम भला खाली क्यों रह जाएं? जन्म जन्म तो उससे मांगते आए थे और वो भी हमें थोड़ा थोड़ा देता आया था, हम भी थोड़े थोड़े में संतुष्ट होते आए। लेकिन अब वो हमें इतना दे देता है कि हम सारे संसार को बांट सकें। तो सभी ध्यान रखें कि आने वाले दिनों में हमें ये खजाने संसार को बांटने हैं। सबसे बड़ी सेवा दृष्टि और वाइब्रेशन से ही होनी है। हम अपनी दृष्टि को और अपने वाइब्रेशंस को बहुत पावरफुल बनाएंगे। तो तैयार करें स्वयं को सब कुछ भरने के लिए। सब कुछ भरेगा योग अभ्यास के द्वारा, सब कुछ भरेगा स्वयं को बहुत स्वच्छ निर्मल बनाने के द्वारा, सब कुछ भरेगा जब हम बहुत अच्छे स्वमान के द्वारा अपने संकल्पों को बहुत महान बनाएंगे। हमारे भंडारे भरपूर होते जाएंगे जैसे जैसे हम बाबा के कार्यों में मददगार बनते जाएंगे। ज्ञान दान देकर भी, धन से भी बहुत मददगार बनकर और तन भी बाबा के कार्यों में लगाकर। ये धन क्या है? जिसने दिया है उसके कार्य में लगा लेना है। कमजोर संकल्प भी नहीं करने हैं कि लेने वाले पता नहीं कहाँ यूज करते हैं, हमने तो जिसके अर्थ दिया वो सेकंड में उसके पास पहुंच जाता है। हमने संकल्प रहे, यदि संकल्प करते रहेंगे पता नहीं हमारा पैसा कैसे यूज किया, तो हमारी कमाई भी कम होती जाएगी। इसलिए दिया और भूल गए, निष्काम भाव से सेवा करने वालों के भंडार बहुत भर जाते हैं और ये हमारी निष्काम स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है। तो आज सारा दिन अभ्यास करेंगे ऊपर से सर्वशक्तिमान और फिर बाप दादा हमें भर रहे हैं।
उनके आंखों से, उनके मस्तक से, उनके हाथों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं मुझे, और सर्वशक्तिवान से भी निरंतर किरणें आ रही हैं। ये वाइब्रेशंस ही हमारे भंडारों को भरपूर करने वाले हैं। जितने उनसे वाइब्रेशंस प्राप्त करेंगे, हमारे हर तरह के भंडार भरते जाएंगे। ओम शांति।